और अराजकता कांग्रेस की नाजायज औलादे हैं। तो मित्रों, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जो आतंकवाद देश के निर्दोष नागरिकों को मार रहा हो, जो आतंकवाद हमारे निर्दोष और बहादुर जवानों पर कायराना हमला करता हो, अगर कोई उसका समर्थन करता है, उस व्यक्ति को वोट देने की बात को दूर, उसका वो देखना भी महापाप का कारण होता है। और इसलिए कांग्रेस जैसी पार्टी को वोट देने की बात को दूर, जो कांग्रेस नक्सलवादियों को क्रांतिकारी कहती हो, जो कांग्रेस इस देश के अंदर आतंकवाद का महिमामंडन करती हो, कम से कम राजस्थान के अंदर तो उन्हें समर्थन नहीं मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, जो सड़कें सिंगल लेन की थी वो डबल लेन की, डबल लेन की फोर लेन में, फोर लेन को सिक्स लेन में, सिक्स लेन को एट लेन में, एट लेन को ट्वेल्व लेन में, इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें देने का कार्य, घर घर में बिजली जलाने का कार्य, हर गरीब महिला को रसोई गैस का कनेक्शन देने का कार्य, हर गरीब को सिर ढकने के लिए छत देने का कार्य, और हर गरीब के परिवार में एक एक शौचालय देने का कार्य किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हर गांव में गौरवपथ का निर्माण हो, या फिर हर गांव में स्कूली शिक्षा की बेहतर व्यवस्था, या फिर भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत हर गरीब को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने, या आयुष्मान भारत में मोदी जी के द्वारा आप सबको 5 लाख तक की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य हो, यह कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मित्रों, कांग्रेस ने कभी ये काम नहीं किया। कांग्रेस जनता का हक मारती थी, लेकिन आतंकवादियों को बिरयानी खिलाती थी। यही अंतर है भाजपा और कांग्रेस में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आतंकवादियों को गोली खिला रही है, गोली, लेकिन कांग्रेस उन आतंकवादियों को मेहमानों की तरह बुला करके, बिठा करके बिरयानी खिलाती थी, उनके लिए दावत करती थी, उनका मेहमानमंडन करती थी। आतंकवाद के सामने जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करने वाली कोई सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब विकास हम करेंगे और जब आपके सम्मान की रक्षा हम करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी को ही सत्ता में आना चाहिए। और इसलिए मित्रों, आज मैं आप सबसे यही अपील करने के लिए आया हूं। मैं जब आ रहा था हेलीपैड पर, भारी संख्या में जन समुदाय उपड़ा हुआ था, तो मैंने रोहतास जी से कहा, मैंने कहा सभा यहां नजदीक किए होते, लेकिन मैं यहां के देख के ताजुब कर रहा हूं, जितनी भीड़ वहां पर थी उससे दुगनी दुगनी भीड़ यहां पर भी एकत्र है, इतनी भारी संख्या में। और कांग्रेस के पाप से बिंद छुड़ाने के लिए सुश्री उर्मिला योगी ने भी आज भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने के लिए यहां पर आई है। हम उनका भारतीय जनता पार्टी के इस परिवार में स्वागत करते हैं, और मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए भरतरी जी, भरतरी महाराज के इस योग ज्ञान का प्रचार प्रसार पूरे अलवर में करने के लिए वे अपनी टोली के साथ निकल करके इस पूरे अभियान को सफल बनाने में अपना कार्यक्रम करें। मित्रों, कोई कारण नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में दोबारा न बन पाए। अवश्य बनेगी, अवश्य बनेगी। मैंने कल भी देखा है, आज भी देख रहा हूं, कितना उत्साह है लोगों में, और इस उत्साह को देख करके मैं कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी लगातार दूसरी बार राजस्थान के अंदर श्रीमती वसुंधरा राजे के नेतृत्व में कार्य करेगी, सरकार बनाएगी। कांग्रेस ने राजस्थान को बीमारू राज्य बनाया, भारतीय जनता पार्टी से समृद्ध राज्य बनाएगी। कांग्रेस ने यहां के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया, भारतीय जनता पार्टी आपके सम्मान और आपके स्वाभिमान की रक्षा करेगी। कांग्रेस ने यहां माफिया पाले थे, कहीं खनन माफिया, कहीं बालू माफिया, कहीं पर वन माफिया, कहीं भू माफिया, भारतीय जनता पार्टी यहां के नौजवानों को रोजगार देकर के स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने का कार्य करेगी। और इसीलिए जो भारतीय जनता पार्टी विकास और सुशासन की पक्षधर है,
जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय आम जन को शासन की सुविधाएं मिल रही हैं, हम गरीब को घर दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, बिजली का कनेक्शन, रसोई गैस का कनेक्शन दे रहे हैं, यह कनेक्शन हमारे लिए राम राज्य की नींव को सुदृढ़ करने जैसा है। भारत के अंदर राम राज्य की स्थापना हो, इस परिकल्पना को साकार करने के लिए आज मैं भगवान राम की जन्मभूमि से ही आपके बीच में यहां पर आया हूं। और इसे मित्रों, आज के इस अवसर पर मैं आप सबका आह्वान करूंगा, भारतीय जनता पार्टी के इस अभियान के साथ आप सब जुड़े। भारतीय जनता पार्टी आपको सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ, बड़े गौरवपूर्ण तरीके के साथ आपके वर्तमान को तो सुरक्षित रखेगी ही, आपके भविष्य को, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को भी उज्जवल बनाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करेगी। और इसीलिए भरतरी की धरती से हमारा ये संदेश घर घर और गांव गांव पहुंचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः राजस्थान में आनी ही चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही जो कुछ बचा खुची अराजकता है, गुंडागर्दी है, इसको अपने आप समाप्त कर देगी। हम लोगों ने यूपी में किया, यूपी में कोई पुछड़खाना नहीं कर सकता, यूपी में कोई दंगा नहीं हो सकता, यूपी में कोई अराजकता नहीं फैल सकता, बहन बेटियों की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।